श्रीमद् भागवत भवतारिणी अमृत में कथा का शुभारंभ पीतल नगरी इलाके में किया गया, जिसमें पंडित शंकर दत्त राधे राधे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भावपूर्ण वर्णन भक्त गणों को सुनाएंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा 30 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक चलेगी। रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे। महानगर के पीतल नगरी स्थित पितलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत भवतारिणी अमृत में कथा का आयोजन समस्त भगत प्रेमियों के द्वारा किया जा रहा है। रविवार से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा 5 अगस्त तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। कथावाचक पंडित शंकर दत्त राधे राधे के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। वे अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा भक्त गणों को सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भी भारी संख्या में भक्तगण कथा सुनने के लिए पहुंचे। पंडित, क्या नाम है आपका? ये पंडित, कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? ये जो कार्यक्रम चल रहा है अधिक मास पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य पर चल रहा है और पीतल नगरी क्षेत्रवासियों के सर्वजन कल्याण की भावना से इन लोगों के माध्यम से जिससे कि सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का फल प्राप्त हो सके, जन जन तक श्रीमद् भागवत कथा का महत्व पहुंच सके, उसके बारे में जान सके, हमारे धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पीतल नगरी निवासियों ने यह प्रयास किया है और हमारे क्षेत्र में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। ये पंडित, भागवत कथा चलेगी कब से कब तक चलेगी? ये 30 तारीख से लेकर के रविवार के दिन से लेकर आपके 5 अगस्त तक चलेगी। जो बहुत ही भव्यता से इन लोगों ने प्रयास किया है, नित्य नारे की व्यवस्था भी की है, महाप्रसाद की व्यवस्था भी की है। कहते हैं जन्मादश्यतो नयाद कर्तश्चातिश्व विज्ञेश्वरा तेने ब्रह्म हदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्य सर्गो मृषाम धामनाम स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य ही संसार में सर्वोपरि है और सत्य क्या है? सत्संग। सत्संग से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। इससे ही हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, इससे ही हमें संस्कार की प्राप्ति होती है, इससे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे ही परिवार में रहना हमें आता है, समाज में रहना आता है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी आती है। किससे? सत्संग से। इसलिए ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पीतल नगरी निवासी करा रहे हैं और इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसे ही ये लोग कराते रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने भक्तों के लिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों, केवल क्षेत्रवासियों को नहीं बल्कि विश्व को ये संदेश देना चाहूंगा कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहतिम सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, हम सबके अंदर भी सत्यता को निभाने की शक्ति प्राप्त हो, अर्थात सत्य ही एक व्रत है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही कर्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही त्याग है, सत्य ही सत्संग है, इससे बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग सत्संग का अनुसरण करें, अपने आप सत्यता आपके अंदर आ जाएगी, सही गलत धर्म अधर्म सब स्वतः आपको पता चल जाएगा। बस सत्संग का अनुसरण करो, ये अनुसरण करो, यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। सर, 5 दिवसीय कथा आज आपके यहाँ आयोजित होने जा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबका कल्याण हो इसलिए सब करवाया जा रहा है और होता है। क्या संदेश आपका अपने भक्तों के लिए देना चाहेंगे जो भक्त आएंगे? सभी भक्त आए सत्संग का, इसका भागवत का, कथा का, सब लोग ज्ञान ले क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या करना है,
कितने दिन की कथा है और कब से कब तक चलेगी? 7 दिन की कथा है। इसके उपरांत भंडारा है 5 तारीख को समापन वाले दिन।